5 से 7 मिनट इसको स्टीम पे पकाने के बाद जनाब चाय हमारी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको कपों में डालते हैं और अपनी ट्रे रेडी करते हैं। तो जनाब चाय की ट्रे हमारी तैयार है, कपों में चाय आ चुकी है, साथ हमारी 1 बाइट पेस्ट्री है और इधर मीठे के लिए मैंने रखी है शक्कर। तो चलिए फिर चाय पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। अभी हम बनाएंगे चाय। चाय के लिए मैंने 3 कप दूध लिया है और अब मैं इसको पहले बॉईल कर लूँगी। दूध हमारा उबल गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे पत्ती। इसको इस तरह से थोड़ी देर फेंट लेंगे। पत्ती डालने के बाद इसमें इस तरह से उबाल आना शुरू हो चुके हैं। इसको हम कोई 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें खुशबू और जायके के लिए कुछ और चीजें शामिल करेंगे। चाय को अच्छी तरह उबाला देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और पिसी हुई इलायची, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फेंट लेंगे ताकि इलायची और दालचीनी का जो टेस्ट है, उसकी खुशबू जो है, वो चाय के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। और ये देखिए कितनी जबरदस्त और गाढ़ी चाय हमारी तैयार हो रही है। इसको अब हम थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे ताकि इसमें मजीद एक दो उबाले आ जाएं। 5 से 7 मिनट इसको स्टीम पे पकाने के बाद जनाब चाय हमारी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसको कपों में डालते हैं और अपनी ट्रे रेडी करते हैं। तो जनाब चाय की ट्रे हमारी तैयार है, कपों में चाय आ चुकी है, साथ हमारी 1 बाइट पेस्ट्री है और इधर मीठे के लिए मैंने रखी है शक्कर। तो चलिए फिर चाय पीते हैं।